नमस्कार, आइए आपको कानपुर की ओर ले चलते हैं, जहां कानपुर देहात के प्रभारी निरीक्षक थाना डेरापुर को एसपी अनुराग वत्स ने घूस लेने की पुष्टि होने पर किया निलंबित। मुकदमा दर्ज करने के लिए दिए निर्देश। जी हां, आपको बताते चले अन्य पुलिस कर्मियों को भी दी हिदायत। जिले में गलत कार्य पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए अमन द्विवेदी की खास रिपोर्ट। कुछ समय पहले ये एक बात जानकारी में आई थी कि SHO डेरापुर, इन्होंने एक व्यक्ति से उनके ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने के लिए उसमें कुछ रुपए उसमें रिश्वत में लिए थे। ये बात मेरे संज्ञान में आई थी। इसके बाद हमने तत्काल इसमें अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच के लिए आदेशित किया था और कल उनकी जांच रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि उनके ऊपर जो ये आरोप है उनकी पुष्टि हुई है। जैसे ही आरोपी की पुष्टि की रिपोर्ट मेरे पास आई है, तो मैंने इसमें तत्काल जो SHO डेरापुर है इनको सस्पेंड किया गया है। साथ ही इनमें रिश्वत देने के आरोप का इन पे एक मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और मैं बता दूं कि साथ में जो भी जनपद में नियुक्त पुलिस कर्मचारी है वो बड़ा स्पष्ट रूप से इस चीज को समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो गलत तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा या गलत कार्यों में लिप्त होगा, उनके खिलाफ इस प्रकार से सख्ती की कार्रवाई जारी रहेगी।